अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अनाउंस हो गई है वर्ल्ड कप के लिए और उसमें मोहम्मद आमिर का नाम नहीं है। सारी दुनिया कह रही थी कि मोहम्मद आमिर का नाम होगा लेकिन ऐसा नहीं है। और पाकिस्तान की टीम में इंजरीज़ का बहुत ज़्यादा मसला रहा है, इसलिए फास्ट बॉलिंग में कोई बॉलर ही नहीं था पाकिस्तान के पास। तो उन्होंने हसन अली को अब मौका दिया है कि आप आएँ और क्रिकेट खेलें पाकिस्तान की तरफ से। अब यह है कि हसन अली जो है वो पाकिस्तान की तरफ से खेलेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि वो बेहतर खेलेंगे, लेकिन आई डोंट नो कि अच्छा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो हसन अली के लिए यह है कि वो उम्मीद करते हैं कि अच्छा परफॉर्म करे। बाकी टीम तो सेम ही है, सिर्फ ये है कि नसीम शाह इंजर हो गए हैं तो वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं, तो उनकी जगह हसन अली आ गए हैं। बाकी टीम ऑलमोस्ट सेम है, कोई प्लेयर का फ़र्क ऐसा जितना नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम अच्छा खेलेगी और अच्छा जाएगी और ये टीम जो है ये आने वाले वक्त में भी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है 5 अक्टूबर 2023 से और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा वर्ल्ड कप होगा और बड़े अच्छे मैचेस होंगे। आज 23 सितम्बर 2023 है और इंजमामुल हक ने आज टीम अनाउंस की है। आई थिंक 22 सितम्बर है 23, आई डोंट नो। तो आज इन्होंने टीम सेलेक्ट की है। मोहम्मद आमिर के बारे में बड़ा शोर था कि वो टीम में होंगे, लेकिन मोहम्मद आमिर पाकिस्तान की टीम में सेलेक्ट नहीं हुए।